हाँ हेलो स्टूडेंट्स, अब आपका स्टार्ट होता है टाइटल टैग। व्हाट इज़ अ टाइटल टैग? अभी तक आपने पढ़ा है एचटीएमएल टैग और हेड टैग। अब इसके बाद हमारा क्या यूज़ हो रहा है? टाइटल टैग। टाइटल टैग का यूज़ क्यों करते हैं? टाइटल टैग का यूज़ आप करते हैं टू सेट द डॉक्यूमेंट टाइटल। अगर आपको डॉक्यूमेंट का टाइटल सेट करवाना है कि डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, वो डॉक्यूमेंट का टाइटल सेट कराने के लिए हम यूज़ करते हैं टाइटल टैग का। जैसे अगर आपने लिखा टाइटल फर्स्ट वेब पेज, टाइटल क्लोज, ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वेब पेज है वो आपका क्या होगा? जब आप ब्राउज़र पे अपना आउटपुट देखोगे तो आउटपुट में जो टाइटल बार रहता है उस टाइटल बार में क्या लिख कर आएगा? फर्स्ट वेब पेज ये लिख कर आएगा। दैट मीन्स ये आपका क्या डिफाइन करता है? टाइटल ऑफ द वेब पेज। तो टाइटल टैग का समझ में आया क्यों यूज़ करते हैं? टाइटल ऑफ द वेब पेज देने के लिए आप टाइटल टैग का यूज़ करोगे। विद इन अ टाइटल टैग आप क्या लिख दोगे? उस टाइटल टैग टाइटल का नाम लिख दोगे जो कि आप वेब डॉक्यूमेंट के टाइटल बार में शो करवाना चाह रहे हो। बस उसको लिखने के बाद हम क्लोज कर देंगे टाइटल टैग का। तो वो जो टाइटल में दिया है वो आपका बॉडी सेक्शन में ना यूज़ होकर टाइटल सेक्शन में यूज़ हो रहा है, इस वजह से इसका आउटपुट कहाँ आएगा? टाइटल बार में आएगा, वेब पेज के टाइटल बार में। दैट मीन्स इट इज़ यूज टू सेट द डॉक्यूमेंट टाइटल, या फिर आप कह सकते हो इट इज़ यूज टू डिफाइन द टाइटल ऑफ द वेब पेज। फिर इसके बाद हम देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर में। आपने देखा था क्या क्या था? पहले एचटीएमएल, फिर हेड, फिर टाइटल, फिर हेड क्लोज, देन आपका क्या आ रहा था? बॉडी सेक्शन। अब बॉडी दैट मीन्स बॉडी पार्ट। अब बॉडी पार्ट में क्या यूज कर रहे थे? बॉडी टैग का यूज कर रहे थे। अब बॉडी टैग का यूज क्यों होता है? बॉडी टैग ये आपका एक क्या है? कंटेनर टैग। अभी तक हमने जितने भी टैग बताए सारे कंटेनर टैग है। एचटीएमएल टैग भी कंटेनर है, बॉडी टैग भी कंटेनर है, टाइटल टैग भी कंटेनर है, और हेड टैग भी कंटेनर है। अब देखते हैं बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर जो भी आपको वेब पेज के डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले कराना है एंटायर वेब पेज पर, वो सारी चीज़ें आप कहाँ शो करोगे? बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। बॉडी टैग के अंदर आपकी जितनी भी डिटेल है, मतलब कि जो भी आपके कंटेंट ऑफ द पेज हैं, वीडियोस हैं, ऑडियोस हैं, टाइटल है, हेडिंग है, पैराग्राफ है, ऑल दीज थिंग्स आर रिटन इन द बॉडी टैग। ओके, जैसे अगर आपने लिखा बॉडी, फिर लिख दिया दिस इज अ माई फर्स्ट वेब पेज, दिस इज अ माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है, फिर बॉडी टैग लगाकर इसको क्लोज कर दिया। तो जब आउटपुट आएगा तो आउटपुट में क्या होगा? ये आपका वेब पेज है, वेब पेज में यहाँ लिख कर आएगा दिस इज अ माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने इसको कहाँ लिखा है? बॉडी टैग के अंदर लिखा है, बॉडी टैग में। तो इस वजह से ये डॉक्यूमेंट के विंडो पे जो भी कंटेंट आएगा वो आपका वेब पेज में शो हो जाएगा, ठीक है। ओके क्लास, इस तरीके से हम एचटीएमएल टैग का, हेड टैग का, टाइटल टैग का और बॉडी टैग का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं उसका कंसेप्ट समझ में आया? अब देखिए, अब हमने एक प्रोग बना लिया, मान लिया कि हम एक कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरे टैग का यूज़ करके हम एक वेब पेज की कोडिंग करते हैं, मतलब एचटीएमएल की कोड करते हैं, ठीक। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया? एचटीएमएल। फिर हम क्या लेंगे? हेड। फिर हमने क्या ले लिया? टाइटल। टाइटल में क्या लिख दिया? फर्स्ट वेब पेज, और टाइटल को क्या कर दिया? क्लोज। फिर हमने क्या कर दिया? हेड को क्लोज कर दिया। देन आप क्या यूज कर रहे हो? बॉडी। अब बॉडी में मैंने क्या लिखा? दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, और बॉडी को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। फिर क्या करा हमने?
HTML को क्लोज कर दिया। ठीक, तो ये पूरी कोडिंग आपने कहाँ लिखी है, ये पूरी कोडिंग हमने कहाँ लिखी है, मान लिया इसको हमने कहाँ पर लिखा है, टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करते हैं ना, तो नोटपैड के अंदर लिखा है। कहाँ लिखा है आपने ये पूरी कोडिंग, नोटपैड में। आप नोटपैड में लिखा है तो कोड लिखने के बाद आप उसको सेव भी करोगे, तो सेव करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट सेव ये .txt से होता है, लेकिन .txt से हमने नहीं सेव करना है, हमको किस एक्सटेंशन सेव करना है, .html एक्सटेंशन से सेव करते हैं हम हमेशा अपनी फाइल को, वेब पेज की जो भी फाइल बनाएंगे HTML की उसको हम .html एक्सटेंशन से सेव करेंगे। मैंने फर्स्ट क्लास में ये आप लोगों को बताया है। तो हमने यहाँ पर दिया फाइल नेम, फाइल नेम हमने जैसे दे दी क्लास टेंथ, फिर .html, ये हम सेव पर जाएंगे, फाइल में कंट्रोल एस प्रेस करोगे या फिर फाइल पे जाके सेव पर क्लिक करोगे तो आपका सेव आएगा। उस पर आपने क्या कर दिया, क्लास एक्स ये आपका फाइल नेम हो गया और .html ये आपका एक्सटेंशन हो गया, आपने .html नाम से अपनी फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपने लोकेशन देख लीजिएगा किस जगह सेव किया है, सपोज दैट हमने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया तो डेस्कटॉप पे हम देखेंगे हमारी ब्राउज़र आइकन बनकर क्लास एस एक्स क्लास टेंथ नाम की एक फाइल बनी रहेगी, उसको ओपन करेंगे तो वो आपकी नोटपैड में ही आइकन दिखाई देगा। वो उसका आइकन किस तरीके का रहेगा, आपका ब्राउज़र का आइकन रहेगा, वो चाहे गूगल क्रोम हो या फिर कोई भी ब्राउज़र हो, उसी ब्राउज़र आइकन में हमारी फाइल सेव रहेगी। ब्राउज़र आइकन दिखाई देगा जिसमें क्लास टेंथ लिखा रहेगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका एक वेब पेज ओपन होगा। वो वेब पेज कैसे ओपन होगा, कैसे किस तरीके से दिखाई देगा, हमने अभी बताया था, ये वेब पेज है जिसमें टाइटल बार में आपका क्या लिखा रहेगा, फर्स्ट वेब पेज, और कंटेंट में क्या लिखा रहेगा, बॉडी में दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। ओके ओके क्लास, ठीक, थैंक यू।